राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और लाल किले पर हुए विवाद की भी निंदा की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दिन हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान हुआ, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि जो संविधान हमें अभिव्यक्त की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतना ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने यहाँ मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें लागत का 1.5 गुना कीमत देने का निर्णय लिया है, जिससे देश के करोड़ों किसानों को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का समर्थन करती है। कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।